कैसे हैं? चलिए निकालिए अपनी कॉपी किताब, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। कल क्या पढ़े थे? झ वर्ण के बारे में पढ़े थे ना, आज ञ वर्ण के बारे में पढ़ना है आपको। तो देखिए, ये है ञ, कैसे लिखना है फिर से लिख लेती हूँ मैं। ऐसे करना है, ये हो गया ञ वर्ण। पहचान कर गोला बनाए, गोला लगाए, ठीक है। यहाँ वर्ण पहचान कर गोला लगाए। कल आप सीखे थे झा वर्ण, झा अक्षर के बारे में जाने थे। तो देखिए मैं लिखती हूँ च से, फिर च छ ज झ और ञ, ठीक है। कौन सा वर्ण सीख रहे हैं आप? ञ। फिर है, यहां देखिए एक बार, च छ ज झ के बाद क्या होता है? ञ। ये ऊपर हो गया थोड़ा, ज नीचे लिख देती हूँ। फिर ट ञ छ ञ ड ञ ढ ञ ण ञ फिर त ठ यां द यां। सही से लिखती हूं मैं, आप लोग भी अच्छे से लिखिएगा पूरा। यहां द के बाद फिर ध यां ना, ठीक है। फिर देखिए ना के बाद प यां फ यां ब यां ठीक है, यां या, ठीक है। नीचे देखिए, ये थोड़ा सामने सामने में लिख देती हूँ। ठीक है, या के बाद फिर मैं लिखती हूँ या रा या ला या वा या श या श और या, ठीक है। ये सारे वर्ण मैं लिखती हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा वर्ण लिखा हुआ है? या, क्योंकि आज हम या वर्ण के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको पहचानना है और गोला लगाना है यहाँ वर्ण में। तो आइए देखते हैं हम आज में क्या सीखना है।
जानना है। तो हम शुरू करते हैं, पहले देखिए यहाँ सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। च छ ज झ य, ठीक है, किस वर्णमाला में आती है? च छ ज झ में य आती है, च छ ज झ के बाद य, फिर ट य, इस तरह से हम य वर्ण को पहचानेंगे। अब य वर्ण को पहचाने तो हमें क्या करना है, यहाँ गोला लगाना है। लगाइए, आपकी अपनी कॉपी में आप लिखती होंगी इसे, तो गोला लगाते चलिए ताकि आप सही से पहचान पाएगा। फिर ये है ट, फिर क्या है ये य, फिर है ठ, फिर है य, ड, फिर य, ढ। देखिए य गोला लगाएंगे, फिर है ण, के बाद य गोला लगाएंगे, फिर क्या है ये त, फिर है ठ, फिर क्या है य गोला लगाएंगे, फिर है द, फिर क्या है य गोला लगाएंगे, फिर है ध, फिर य गोला लगाएंगे, फिर क्या है ना। फ क्या है, फ, फिर क्या है या, फिर है फ, फिर है या, फिर क्या है ब, फिर या, फिर है भ, फिर या, म, फिर या और य। इसके बाद देखिए य र, फिर य गोला लगाते चलिएगा, फिर है ल, य गोला लगाइए, व, य, श, य, फिर है श, और सबसे अंत में क्या है य, ठीक है। तो इन सारे वर्णों पे आप गोला लगाएं जो सीख रहे हैं। कौन सा वर्ण? य वर्ण, यानी य अक्षर को आप सीख रहे हैं और इसे जान के पहचान के गोला लगाए हैं। फिर से हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्लास कौन सा है? वर्ण नर्सरी, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं? विषय हिंदी, जिसमें आप य वर्ण के बारे में सीख रहे हैं, य वर्ण पर पढ़ रहे हैं। देखिए फिर से हम शुरू करते हैं एक बार और पढ़ा देते हैं आपको। आप लोग प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी नोटबुक में गोला जरूर लगाइएगा जहां जहां य वर्ण है, सॉरी हाँ य वर्ण पढ़ रहे हैं उसमें, और गोला जहां नहीं लगाए हैं या कुछ गलत लिखे हैं तो उसे इरेज कर दीजिएगा यानी मिटा दीजिएगा और फिर उसे सही से शुद्ध शुद्ध साफ साफ अक्षरों में लिखिएगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आप लोग अंग्रेजी डालिए, पहले अपनी नोटबुक पे डालिए, गुड। फिर देखिए पढ़िए क्या ये च छ ज झ और क्या है या। हम य वर्ण सीख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम गोला लगाएंगे। चलिए गोला लगाइए अच्छे से, जितनी बार आप लगा सकते हैं और आपको अच्छा रहेगा, यानी क्या था गोला जो भी है सर्कल बनाने का प्रैक्टिस भी होता रहेगा, गोल गोल बिल्कुल गोल गोल घुमाने से, ठीक है ना। फिर ट, फिर क्या है या, गोला लगाइए, जितनी बार आपको लगाने का मन है आपको अच्छा भी लगेगा तो आप उस वर्ण को अच्छे से पहचान भी लीजिएगा और गोला लगाने का सीख लीजिएगा। फिर है ठ, फिर क्या है या,
या फिर गोला लगाइए। फिर रा, फिर क्या है या, उसके बाद है त, फिर थ, फिर या, फिर है द, फिर है या, फिर क्या है बच्चों ध, फिर क्या है या, गोला लगाइए, फिर है ना, फिर देखिए क्या है ना प, फिर है या, गोला लगाइए, फिर है फ, फिर या, गोला लगाइए, फिर है ब, फिर या, गोला लगाते चलिए, फिर क्या बच्चों भ, फिर क्या है या, फिर है मा, फिर क्या है या, लगाइए गोला, फिर है या, यहाँ पे गोला नहीं लगाना है, फिर देखिए क्या है ये या, यहाँ पे क्या करना है गोला लगाना है ना, फिर है र, फिर क्या है या, गोला लगाइए, फिर है ल, फिर क्या है या, गोला लगाइए, फिर है व, फिर क्या है या, फिर क्या बच्चों श, उसके बाद या, फिर है श, ठीक है, उसके बाद सबसे अंत में क्या है या, जो हम सीख रहे हैं इसके गोला लगाएंगे, तो इन सारे वर्णों में आप क्या पढ़े या वर्ण के बारे में, ठीक है, तो आप अच्छे से इसे पहचान गए होंगे या वर्ण को। चलिए तो आप सारे वर्ण में गोला लगा ही लिए होंगे, अब इसे हम एक बार गिनती कर लेते हैं, कितनी बार आप सीखे हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस, कितनी बार सीखे आप, बीस बार, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे ना, ठीक है, तो इसका अभ्यास घर पे करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, शरारत कम कीजिए और घर के अंदर ही रहिए।